रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की, देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाए कि जो भी केंद्र में तभी आप समर्थन देंगे जब इससे साथ का दर्जा मिलेगा। उस सारी बात हमारी तो मांग ही रही है, जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पर कहना है जो रेशियो जो है जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उभरे, और जैसा हमारे डेटा में आया है हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने? तो ये बात सर एक और सवाल आप भी बताए, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे, तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहाँ 2.5 लाख करोड़ जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, EBC हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई दो चीज़ों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है, हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो है उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलम्ब जो है इस चीज़ को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते अपने खुद के खर्च पर वो हम लोग करते रहें। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा है, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग आप लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से